प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ पब्लिक फोर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है आपका 20 मार्च के दिन। तो 20 मार्च के दिन जो आपका सेकेंड पाली में आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का गृह विज्ञान का अर्थात कि होम साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर पूरे पहले प्रश्न को देख लीजिए, बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका है, जो आज के एग्जाम में आपका आर्ट्स वाले स्ट्रीम का लास्ट एग्जाम है, अर्थात कि अंतिम पेपर होने जा रहा है आपका होम साइंस का पेपर। इसके बाद क्लास 11 का एनुअल एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूरे प्रश्न का मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों लेकर आया, तो इस वीडियो में आपको पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव के आंसर की बताऊंगा। आपका एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे मेरे पास बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि एग्जाम में यहां से पूरे प्रश्न देखकर जाइए, एग्जाम में पूरे प्रश्न आपको आ जाएंगे। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि मैं आपको पूरे प्रश्न पत्र दिखा दिया हूं। तो चलिए आप देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है। यहां पर आप जाएंगे एग्जाम में तो आप देखेंगे 319 इसका विषय कोड रहने जा रहा है, और यह आपका कितना प्रश्न रहेंगे, तो यहां पर आपका टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मैं अभी के वीडियो में पूरे 50 से लेकर 60 तक के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आप जानते हैं एग्जाम से पहले आपके लिए पेपर लाया गया है और पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन साथ में लाया गया है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप जानते हैं क्लास 12th में जाएंगे तो इसी प्रकार आपके लिए एग्जाम से पहले आपको पेपर मिल जाएंगे। सभी चीज का डिटेल यहां पर जानकारी इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे होम साइंस का आपका एनुअल एग्जाम का, जो आपका होम साइंस का क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जल्दी से मैं देख लेता हूं आपको किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है। तो यहां पर देखिए आपको टोटल यहां पर 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें से आपको 35 का आपको जवाब देना है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपसे? 70 पूछा गया, 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो मैं पूरे 35 से लेकर आपको ज्यादा प्रश्न तक के आपको 50 तक के प्रश्न का मैं आपको लिए उत्तर तैयार कर दिया हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र है। आप जाएंगे सेकंड पाली में, बिल्कुल हुबहू यही प्रश्न पत्र छपने जा रहा है, क्योंकि आप देखें मैं आपको जितना पीछे पेपर दिया था बिल्कुल 100% आपको पेपर लड़ा, तो इसी रूप में आपको ये भी पेपर आपको लड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर, एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात की टाइलिन। यहाँ पर जाएंगे एक नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी कर आएंगे, आपका सेकंड पाली में आर्ट्स स्ट्रीम वाले का बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। दो नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन डी, अर्थात की रक्त रोधी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तीन नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, किसी व्यक्ति को दैनिक कैलोरी की आवश्यकता पर किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका उत्तर याद रखेंगे, इसका उत्तर वजन पर, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। पूरे प्रश्न का सही सही उत्तर बताया जा रहा है, आपको 35 बनाना है, लेकिन आपको यहां पर 50 प्रश्न तक का आपको उत्तर बता दिया जाएगा। चलिए चार नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, मानव के शरीर में वसा को संग्रहित होती है? तो इसका 54वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वसा का उत्तक में। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, प्राकृतिक प्रतिरक्षा आती है? जल्दी से पूरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म जात से, ऑप्शन ए। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो 6वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी है, मलेरिया भी है, डायरिया भी है, और यहां पर देखिए आपका चेक्नोफिक्स भी है, तो यहां पर आपका ऑप्शन यहां पर सी है, इसीलिए तो दिया गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, इसका पीडीएफ और उसके साथ साथ उत्तर डाउनलोड करना भी आपको सिखला दूंगा आगे। चलिए 7वां प्रश्न क्या करें, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि मैं खुद एग्जाम से जाकर प्रश्न लाया हूं, एग्जाम हॉल से यह प्रश्न लाया हूं, तो आप एग्जाम सेकंड पाली में है लेकिन उससे पहले पेपर लेकर आ गए हो, तो जल्दी से पूरे प्रश्न को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का उत्तक का स्रोत है? तो 7वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अर्थात की दाल आपका उत्तम का स्रोत है। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, निम्नलिखित में से क्या उम्र के साथ नहीं बदलता है? तो उम्र के साथ क्या नहीं बदलता है? बिल्कुल सही, लिंग नहीं बदलता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर आपसे, यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है? तो यह किसके लिए कार्य नहीं करता, तो यह करता है आपका स्वच्छता के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर, हेल्थी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संदूषित जल को होती है? तो कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, अर्थात की डायरिया भी, अतिसारा भी, और टाइफाइड भी, इसीलिए तो दिया गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न क्या करें, एग्जाम में जाएंगे ना 11वां प्रश्न में देखिएगा, पाचन तंत्र में दांतों की क्या भूमिकाएं होती है? तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर आपको क्या टिक करना है, तो इसका उत्तर टिक करना है 11वां प्रश्न का, ऑप्शन बिल्कुल सही डी, अर्थात कि इनमें से सभी, काटना भी, फड़ना भी, और यहाँ पर पीसना भी, इसीलिए तो दिया गया है ऑप्शन डी, दांतों का सभी कार्य का भूमिका होता है। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होती है? तो इसमें से सभी होंगे, कब्ज का, उल्टी आना, उपचा, इसीलिए तो दिया गया ऑप्शन डी, अर्थात की इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, 13वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? तो विटामिन डी से कमी से कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल सही आपका डी, एक्टर से होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। पूरे प्रश्न का सही सही सोल्यूशन करा देने जा रहे हैं, एग्जाम में जाएंगे धुआं धुआं मचा कर आ जाएंगे, पूरे प्रश्न का सही सही टिक कर आएंगे। 35 ही आपको बनाना है, लेकिन आपको 35 से ज्यादा प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहाँ पर बता दिया
दिया जा रहा है, सो भी आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का 100% एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपको देखें पीछे आप, मैं जितना पेपर देता हूँ 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता है। चौदह प्रश्न क्या कर आपसे, एक गैर संचारिक रोग है, तो गैर संचारिक रोग क्या है, तो बिल्कुल सही आपका खांसी ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, शरीर के रोगों को लड़ने का क्षमता आपको क्या कहलाते हैं, तो 15वां प्रश्न का उत्तर है रोग को प्रतिरोधकता का क्षमता कहलाते हैं इम्यूनिटी, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न आपसे कुकर खांसी फैलने का कारण क्या है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लाएंगे, जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्द मेरे पास सब्जेक्टिव का आज होगा, सब्जेक्टिव का भी जल्दी लेकर आने जा रहा है। कुकर खांसी फैलने का कारण क्या है, बिल्कुल सही कुकर खांसी फैलने का कारण है आपका जीवाणु का ना, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कौन सी बीमारी हवा से फैलती है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सीधे सीधे आपको उत्तर लिख कर लेना है ताकि पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा रहा है। रोग एवं कीटाणु के शरीर में प्रवेश करने के लिए रोगों को उत्पन्न करने की सयावधि को कहा जाता है, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका संक्रामक कला, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विषकर्मण है, पूरे प्रश्न का उत्तर सही बताया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर टिक कर कराएंगे सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी होंगे, अर्थात की गंभीर बीमारी से बचने के लिए, रोगों प्रतिरोधकता क्षमता के विकसित करने के हेतु, संक्रमण रोग को बचाने के लिए, इनमें से डी होगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से सुरक्षात्मक पोषण का तत्व कौन सा है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर नोट कर लेंगे जल्दी से, विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 6 महीने के उम्र वाले शिशु के लिए आदर्श भोजन क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर इसका हो जाएगा गाय का दूध, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर गाय का दूध होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का लक्षण है, तो ये देखिए वृद्धि है, शोषण है, प्रजनन है, इसीलिए तो दिया गया ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का आहार्य रेशो का स्रोत है, तो 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, अर्थात इनमें से सभी साबुत अनाज, दाल, ताजे हवा एवं सब्जी, इसीलिए तो दिया गया इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में रहता है तो उसके शरीर में अनेक परिवर्तन आने लगती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व के शरीर का ऊर्जा का प्रदान करता है, तो इसीलिए तो दिया गया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसका 26वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका इनमें से सभी, अर्थात की ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न का सही उत्तर बताया जाएगा, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्वस्थता के रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है, तो 27वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात की इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शक्ति का कारण भी, संतुलित आहार भी, व्यक्ति का स्वस्थता भी, इसीलिए तो दिया गया इनमें से सभी, अर्थात की ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें, एग्जाम में जाएंगे ना तो गर्दा बचा करेंगे, हु ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ से मिलाया जाता है, तो आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, सर नमक में मनाया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या कहें, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण नहीं है, कारण नहीं है, बिल्कुल सही 29वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, भोजन की कमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1 ग्राम में वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात की 9 कैलोरी होती है, ऑप्शन बी इसका टिक करेंगे। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 31वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं करता है, नहीं कार्य नहीं है, कौन सा भोजन का कार्य नहीं है, बिल्कुल सही सामाजिक, इसका उत्तर क्या होंगे, 31वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इस प्रश्न में डॉट है उसको देख लेना, ऑप्शन डी सामाजिक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, संतुलित आहार का होता है, तो संतुलित आहार किस में होता है, बिल्कुल सही आपका पोषण एवं तत्वों का भरपूर से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मानव के शरीर में हड्डियों की उचित वृद्धि के लिए निम्न में से कौन किसका आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम का पड़ती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 34वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहां पर देखें निम्न किससे प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोटीन नहीं होता है, बिल्कुल सही इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर देखिएगा ऑप्शन, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बहुत टाइप प्रश्न है आपको, इसका उत्तर जरूर बताएंगे। आपको कितना प्रश्न बनाना है, आपको 35 प्रश्न बनाना है, मैं कितना का जवाब बता दूंगा आपको, 50 से ज्यादा प्रश्न आपको बता दूंगा। चलिए, अमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है, अमाशय का आकार कैसा होता है, बिल्कुल सही जे आकार का थैली की जरा होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन इंद्रियों नहीं है, तो चलिए इंद्रिया नहीं है, बिल्कुल सही त्वचा आपका यहाँ पर हाथ नहीं है, हाथ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैंड इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, पारिवारिक संसाधनों को बेहतर उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है सर, बिल्कुल सही यह कहलाता है आपका गृह प्रबंध, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। प्रत्येक परिवार के पास कौन सा साधन समान होता है, तो प्रत्येक परिवार के पास, बिल्कुल सही 38वां प्रश्न का उत्तर आपको रुचि हो जाएगा, तो ऑप्शन
चलिए रुचि, प्रत्येक परिवार के खास कौन सा साधन, समय 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 समान होता है सबके लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है, मानव का संसाधन नहीं है तो यह कौन सा है, तो कौशल, रुचि, ज्ञान, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 49वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, यहाँ पर बिल्कुल सही, गृह प्रबंध का प्रथम चरण क्या है, योजना बनाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल सही, इनमें से सभी हो जाएंगे, धन कमाना, मकान का बनाना और लक्ष्य प्राप्त करना योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए तो दिया गया ऑप्शन डी। आपको 35 ही बनाना है, आपको 35 से ज्यादा उत्तर बता दिया। निम्न से कौन सा मानव का मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, घर, कपड़ा, इसीलिए तो दिया गया ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी भोजन के मनुष्य के लिए आवश्यकता है, वस्त्र का प्रयोगी रेशम गुण होना चाहिए, तो इसमें से सभी इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। वनस्पति का रेशम नहीं है, बिल्कुल सही, 44वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे सर, रेशम नहीं है, तो कपास क्या है, तो वनस्पति रेशम नहीं है। अगला, कोकुन का प्राप्त होने के लिए क्या चाहिए सर, ऊन चाहिए, ऑप्शन इसका हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 46वां प्रश्न आपसे, बिल्कुल सही उत्तर सही, एक प्राणियों का पेशा होती है सर, एक ऊन जूट के बराबर ना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर, आपको देख लेना है। अगला प्रश्न, मानव व्यक्ति रेशम क्या है सर, नाइक्लॉन है, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला, प्राकृतिक रेशम नहीं है सर, ऊन क्या है, तो ये आपका प्राकृतिक रेशम नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ऊन ताप का है सर, ऊन ताप का सुचालक, कुचालक, शक्ति प्रदान करने वाला, इसीलिए तो इनमें से दिया गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न 50 क्या कह रहा है, छार का प्रयोग सफेद ऊनों के लिए परिवर्तन कर देता है सर, छार का प्रयोग नीले, हल्के पीले में या हल्के नीले में या लाल में, तो ऑप्शन इसका देख लेना, इस प्रश्न पर डॉट चल रहा है। इसी प्रकार मैंने देखिए पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया, ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न बता रहा है। आगे मैं आपको दिखा देने जा रहा हूं इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी, आपको यहां पर देखिए आपका सब्जेक्टिव उत्तर भी आपके लिए प्रश्न है, बालक विकास क्या है, प्रश्न टीकाकरण क्या है, गृह प्रबंध क्या है, पारिवारिक संसाधन व्यवस्था क्या है, इसी प्रकार यहां पर देखिए प्राकृतिक रेशम क्या है, रासायनिक रेशम क्या है, इसी प्रकार आपको जल क्या है, प्रोटीन क्या है, सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया गया है, तो आपको इसका उत्तर जल्दी मिलने जा रहा है। तो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपको मैं जितना भी आपका होम साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो आपको यहां पर देखेंगे आज के एग्जाम में जाएंगे ना, बिल्कुल इसी टाइप का यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे, 100% रियल प्रश्न पत्र आपको, जिसे बोलते हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, लीक पेपर है आपके लिए, यहां पर बिल्कुल आज के एग्जाम में जाएंगे, गर्दा मचा कर आएंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न टकराएगा कि नहीं, तो आप वीडियो में आकर नीचे में कमेंट करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ सेंड करने जा रहा हूं, जल्दी इस वीडियो देखकर आए, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, उसके बाद आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ सेंड कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूं, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।